वेलकम टू जिल्फा मैथ। हमारी इस वीडियो में मार्शल सेट एग्जाम दिसंबर 2020 पेपर सेकंड बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए है, एवरी नॉन नेगेटिव हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी इज कांस्टेंट। बी है, एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी माइनस जीरो हैज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सबसे पहले स्टेटमेंट ए चेक करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एफ इज एन एनालिटिकल फंक्शन ऑन सी and it is equal to u plus iv and where u is greater than or equal to 0 for all z belongs to c or sathi u harmonic bhi hai, it is a harmonic function and proof kya karna hai, u constant function hai, yahan par define karenge, define a फंक्शन जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस एफ ऑफ जेड। ये फंक्शन डिफाइन करेंगे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। मॉड ऑफ जी ऑफ जेड फाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू मॉड ई रेस पर माइनस एफ ऑफ जेड एंड इट इज इक्वल टू ई रेस पर रियल पार्ट ऑफ माइनस एफ ऑफ जेड। मैंने आपको पहले भी बताया था, e रेस पर z अगर हो तो इसकी मॉड वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये इक्वल होता है हमेशा e रेस पर x, वेर x इज द रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर माइनस एफ ऑफ z का रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ माइनस एफ ऑफ z होगा। तो हमने यहाँ पर ये रिजल्ट यूज किया है, इट इज इक्वल टू e रेस पर, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ z। और हमें पता क्या है, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, u क्या है, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z है, दैट मीन्स दिस रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन दिस वैल्यू e रेस पर माइनस रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सेट c, दैट मीन्स वी गेट मॉड g ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू वन। इस इनइक्वालिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने जो फंक्शन जी ऑफ जेड डिफाइन किया था ये बॉन्डेड फंक्शन है, इट इज अ बॉन्डेड फंक्शन, साथ ही ये क्या है, एंटायर फंक्शन भी है, इट इज अ बॉन्डेड एंड एंटायर फंक्शन। इफ इट इज बॉन्डेड एंड एंटायर फंक्शन देन बाय लीवोविल थेरम वी से दैट दिस फंक्शन जी ऑफ जेड इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, that implies f of z is also a constant function. If it is constant function, this implies this real part u is a constant function. Hence proof. तो यहाँ पर जो statement A दी गई है, every non-negative harmonic function on C is constant, it is a true statement. सेकेंड स्टेटमेंट बी है यहाँ पर क्वेश्चन में, एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी माइनस सिंगलटन जीरो हैज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये एग्जांपल कंसीडर कीजिए इस स्टेटमेंट के लिए, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस पर वन अपॉन टू, और इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, इट इज नथिंग बट लॉग मॉड जेड। तो ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है सी माइनस जीरो पर, लेकिन इसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं होता। बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है लॉग मॉड जेड की, विच इज अ हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी माइनस जीरो बट इट डज नॉट हैव हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो स्टेटमेंट बी को डिस्कार्ड करने के लिए ये एग्जांपल काफी है। ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए, ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन बी पर ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये दिया गया है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, ए ये ट्रू स्टेटमेंट मिली थी, और ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है विच डिस्कार्ड दिस स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट बी है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ओनली ए इज ट्रू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।